हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मुंबई महानगरी पर मैं विजय ठाकुर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिवाली 2018 का कुछ उपाय बताऊंगा, टोटके बताऊंगा, सरल उपाय जिससे हमारी जीवन में बहुत ही आसानी से खुशहाली, धन दौलत आसानी से हमारे जीवन में आएंगे और हम खुश रहेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो हम दिवाली में पटाखे जो फोड़ते हैं तो उस पटाखे के ऊपर हमारे हिंदू देवी देवताओं का फोटो रहता है और उनके ब्रांड का उनका नाम वहाँ पर ब्रांडिंग किया हुआ रहता है। जो हम लोग एक्चुअली जो पटाखे का जो ज़्यादा फैक्ट्री और ज़्यादा जो काम होता है दोस्तों, ये ज़्यादा इसे नॉन हिंदू जो कास्ट हैं वो लोग बनाते हैं और उन लोगों का सोचना रहता है कि हिंदू लोग खुद अपने पैसे से अपने भगवान देवी देवता के फोटो वाले पैकेट को खरीदें, खुद अपने हाथ से उनको आग लगाएं, जलाएं और पैरों के नीचे उनको कुचलें। क्योंकि जब हम पटाखे फोड़ देते हैं दोस्तों, तो उसके बाद जो उसमें अवशेष बच जाती है, उसके जो वेस्टेज बच जाते हैं, वो सब रास्ते पे ऐसे ही रहता है और उस पर हम लोग लाद और उसको हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं और उसमें हम लोग जानबूझ के अनजाने में कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं दोस्तों। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आप पटाखे के ऊपर आप देवी देवता के फ़ोटो देखते हैं तो उसे अवॉइड करें। अगर आप ख़रीदेंगे ही नहीं तो फिर कंपनी बनाएगी कैसे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव मुझे इस वीडियो को आज मैं आपको बताऊंगी। जरूर लिखिए दोस्तों, दीपावली पर स्वास्तिक किन 8 जगहों पर बनाना चाहिए और उनके क्या फायदे होते हैं। स्वास्तिक शब्द सु प्लस आस्तिक से मिलकर बना है। सु का मतलब होता है शुभ, आस्तिक का मतलब होता है होना, अर्थात जो शुभ और कल्याणकारी है। यह विघ्नहर्ता और सुखकर्ता भगवान गणेश जी व माँ लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुमकुम व सिंदूर से घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी जी खुश होते हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए 7 गुरुवार तक उत्तर पूर्वी कोने को गंगा जल छिड़क कर वहाँ हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और पूजा करें और गुड़ का भोग लगवाएं। नींद आने के लिए रात को नींद में आए तो अनामिका उंगली से घर के मंदिर पर स्वास्तिक बनाएं। इससे अनिंद्रा की बीमारी दूर हो जाएगी। किसी भी देवता को खुश करने के लिए स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर जिस देवता की मूर्ति रखेंगे वही देवता प्रसन्न हो जाएंगे। सुख शांति के लिए घर के ईशान यानी उत्तर पूर्व के उत्तर दिशा की दीवार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। मनोकामना पूरी के लिए मंदिर में यानी घर के मंदिर में नहीं बल्कि बाहर मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाएं। वह जब मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर मंदिर में जाकर सीधा स्वास्तिक बनाकर आए। पितरों की कृपा पाने के लिए गोबर से घर में स्वास्तिक बनाने से सुख व समृद्धि आती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। यह स्वास्तिक घर पर बनाना है। धन प्राप्ति के लिए दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर पूजा करें। स्वास्तिक के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाकर वह एक एक सुपारी पर मोली अथवा कलावा बांधकर उसको ढेरी के ऊपर रखें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।